भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश लेकर पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही हजारों की संख्या में वहां भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जो अस्थि कलश का इंतजार कर रहे थे। अटल जी की अस्थि कलश यात्रा को लेकर यहां प्रदेश कार्यालय तस्वीर के साथ उनकी कविताओं को लिखा गया है। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, अश्विनी कुमार चौबे, सूबे के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद थे। केवल वही नहीं है, पूरा दुनिया सनसन कर दिया। फिर क्लिंटन मार्शल के बाद भारत आए पहली बार अटल जी के नेतृत्व में, इसलिए अटल जी के महामंत्री एक चेहरे में कई चेहरे थे। अगर राष्ट्र के लिए इमरजेंसी के बाद जनप्रमोदी तो सबसे पहले जनसंघ को उन्होंने समर्पित किया राष्ट्र के नाम, जनता पार्टी। लेकिन जब दोहरी सदस्यता का विषय आया तो पल नहीं लगा, आरएसएस का हूँ, मुझे गर्व है, मानते हुए अलग हुए और 80 से नई यात्रा शुरू किए और देश के शिखर पर। प्रमोद जी, टेलीफोन लगाइए। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का श्रद्धा के सुमन अर्पित करने वाले लोगों के लिए अस्थि कलश प्रस्थान किया गया है और मैं समझता हूँ कि 25 तक बिहार के विभिन्न नदियों में इनके अस्थि कलश समर्पित किया जाएगा, प्रवाह किया जाएगा पूजा रचना के साथ। जो सीधा कलश लेकर पार्टी के दफ्तर पहुंचे, भाजपा कार्यालय को पूरी तरह से अटल जी की तस्वीरों से पाट दिया गया है। पार्टी कार्यालय में अस्थि कलश लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है। 11 रथों द्वारा अस्थि कलश को राज्य के हर जिले में आम लोगों के दर्शन के लिए भाजपा प्रदेश मुख्यालय से रवाना किया जाएगा। अटल जी की अस्थियां प्रदेश की सभी नदियों, गंगा, पुनपुन, महानंदा, बागमती, कोसी, कमला, बूढ़ी गंडक, सरयू, कर्मनाशा, फाल्गु और नारायणी नदी में प्रवाहित की जाएंगी। पटना से संजीव की रिपोर्ट।